हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अरबी और अरहर की दाल की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम 150 ग्राम अरहर की दाल। आप इस दाल को अच्छे से धुल लीजिए तो दो बारी। तो यहाँ पे मैंने दाल को धुल लिया है और सबसे पहले हम इसे डाल देंगे कुकर में। तो चलिए, हमने दाल को कुकर में डाल दिया है धुल कर, और अब हम इसमें डाल देंगे अरबी। यहाँ पे 250 ग्राम अरबी है। इसे छील कर आप अच्छे से धुल कर, या फिर आप इस घिया भी कहते हैं बहुत लोग, घुया या घिया, तो उसे भी हम डाल देंगे छील कर अच्छे से धुल कर। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े गिलास पानी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी यूज किया है क्योंकि मेरे पास गर्म पानी था तो उसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए डाल दिया। आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच प्लस 1/2 चम्मच, और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक अभी कम ही रखिएगा क्योंकि बाद में भी हमें नमक थोड़ा सा डालना पड़ेगा, या फिर आपको अगर अंदाज आपका अच्छा हो तो आप डाल सकते हैं इसी वक्त ही। तो चलिए, अब ढक्कन को बंद कर देते हैं कुकर के। अब यहाँ पे मैंने चावल पहले ही बना के निकाल लिया था कुकर से, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही चावल गैस कुकर से सब कुछ होता है। तो चलिए, हम इसे गैस पे रख देंगे और सीटी आने का वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी आ रही है। 4 से 5 विसल के बाद हाई फ्लेम लो फ्लेम मिक्स करके तो ये दाल एकदम अच्छे से हो जाएगी सीटी आने के बाद। तो ये देखिए, ये अभी अरबी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है और दाल एकदम मिक्स हो चुका है। तो चलिए, मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब तो आपने दाल तो कई बार खाई होगी, शायद किसी ने ही ट्राई किया होगा ये वाली दाल, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। नीचे जो लगा हो किनारे साइड में उसे अच्छे से पानी डालकर इस तरीके से छुड़ा लीजिए, एकदम अच्छे से छूट जाएगा। और जिस कंसिस्टेंसी में आपको दाल रखना है, जितना गाढ़ा या पतला उसी हिसाब से पानी डालिए। बस अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पकने के लिए ढककर ऐसे बिना सीटी लगाए ढककर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी पक रही है। तो चलिए, अब हम दाल ये अच्छे से पक रही है तो इधर हम एक तवा चढ़ाएंगे गैस पर, या फिर कोई भी आपके पास तड़का पैन हो उसको चढ़ा दीजिए गैस पर। तो ये है तवा। मैं इसलिए तवा यूज करती हूँ क्योंकि ये काला पड़ जाता है, मांजने में हमको दिक्कत नहीं होती। तो उस पर डाल देंगे 1 चम्मच घी, और जब घी एकदम मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 6-7 कटी हुई लहसुन की कलियाँ, और इसे हम अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे, इसे पहले हम साइड में कर देंगे वरना ये बहुत ही ज़्यादा काले पड़ जाएंगे। और गैस की फ्लेम को आपको लो रखनी है। चलिए, अब हम इसे साइड में कर देते हैं। बस इसी तरीके से तवे पे आप एकदम अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, जो भी आपको फ्राई करना रहता है, इसलिए मैं तवा यूज करती हूँ। तो अब यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए क्योंकि बहुत लोग को जीरा नहीं पसंद। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बस गैस की फ्लेम को फटाफट हमें बंद कर देना है वरना ये सब काला पड़ जाएगा। तो चलिए, ये है हमारी दाल और ये है तड़का। तो अब चलिए तड़का फटाफट डालते हैं इसमें। गैस ढक्कन को बंद कर दीजिए वरना इसमें से जो टेस्ट रहता है वो कहते हैं निकल जाता है। तो चलिए, गैस को हमने बंद कर दिया। और ये भी अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें लेंगे चावल। इस तरीके से मैंने लिया है, अगर आप जैसे लेते हैं वो लीजिए। और थोड़ा सा इसे हम प्रेस करके इस तरीके से दबा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी अरबी तड़का फ्राई दाल। और इसमें हम इसके साथ लेंगे प्याज, अचार, हरी मिर्च, नींबू, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं।
तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके आपको मिलती रहे, ताकि सबसे पहले वीडियो आप देखें। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।